सर, जिस तरीके से आज मंडी हाउस से और काफ़ी दूर तक रैली का धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो इस उपलक्ष्य में आपका क्या कहना है कि क्या क्या मांगे हैं आपकी इस रैली प्रदर्शन के द्वारा? देखिए, आज का जो पूरा भारत बंद था, उसी सीरीज़ में हम लोगों ने मंडी हाउस से जंतर मंतर तक ये मार्च कॉल किया है, जिसमें आप देख रहे होंगे कई हजार, 4-5 हज़ार लोग इसमें शामिल हैं। और इसमें हमारी मांगे बहुत सिंपल सी हैं। पहला है कि 200 पॉइंट रोस्टर को लेकर के सरकार अध्यादेश लेकर के आए, और दूसरी मांग जो है कि आदिवासियों की बेदखली जो जमीन से की जा रही है, उस पर भी जो है सरकार लेकर के आए। यही दो मांग हमारी सर। इस रैली को लेके जैसे दिल्ली में आज जंतर मंतर थे और सारी जगह पे रैली का आयोजन किया गया है, तो और भी कहीं और भी देशों में और यूपी और एमपी में भी आपका रैली का आयोजन है आज? आज देशों से लगभग 40 जगहों से हमारे पास खबरें हैं जहाँ पर कि बंद पूरी तरीके से किया गया है। कुछ जगह पर और कुछ जगहों पर जैसे कि रैली भी निकली है, जयपुर में भी आदिवासियों की रैली कई जगह देश के तमाम जगह। और अगर राज्य बात करें तो दिल्ली में ये रैली है, इसके साथ राजस्थान से भी हमारे पास आदिवासी विरोधी यूपी से है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ से, और गुजरात में भी जो है बंद का कॉल दिया गया है, उस पर भी रैली होगी। सर, जिस तरीके से आप आदिवासियों को बचाने के लिए रैलियों का आयोजन कर रहे हैं और काफ़ी और भी चीज़ें हैं, तो ये क्या है, मोदी जी के कानों तक जीव तक नहीं पहुंच रही है, तो इस पक्ष में आपको क्या कहना है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, उनको लग रहा है कि शायद ये चीज़ें वोट में कन्वर्ट नहीं होंगी, लेकिन जब लोगों के पेट का सवाल आएगा, लोगों के घर का सवाल आएगा, तो वो वोट में भी कन्वर्ट होगा। आज की तारीख में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेदखली का संकट है, तो जाहिर सी बात है 1.5 करोड़ लोग बेदखल होने के बाद इनको वोट देने वाले तो है नहीं। और उसके बाद रोस्टर का जो मसला है, उसमें 85% इस मुल्क के लोग हैं जो दलित आदिवासी पिछड़े तबके से बिलोंग करते हैं, उनको विश्वविद्यालयों से पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया। अब वो विश्वविद्यालय से जब, अब पहली बात तो ये पहली पीढ़ी के लोग हैं जो यहाँ आपको दिख रहे हैं, ये पहली पीढ़ी के लोग थे जो विश्वविद्यालयों की दहलीज तक पहुँचे थे, लेकिन रोस्टर ने आज जो नया रोस्टर सरकार लेकर के आई है 13 पॉइंट, उसमें जो है इन लोगों को विश्वविद्यालय में जो है नौकरी से वंचित कर दिया गया, उनको विश्वविद्यालय में पढ़ाने से रोक दिया गया, तो उसका असर सीधा सीधा वोट में भी दिखेगा। सिंपल सी बात, और कुछ नहीं, आपको समझना होगा, वो चाहे जितना भी कर ले, देश को अलग जगह ले जाने की कोशिश करे, और मॉन्गरिंग करे, लेकिन जनता अपने मूल जो मुद्दे हैं, जो पेट रोजी रोटी से जुड़े हुए जो मुद्दे, उनकी जमीन से जुड़े हुए मुद्दे, उसमें वापस नहीं लौटे। सर, जिस तरीके से बीजेपी सरकार आदिवासियों को हटाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रही है और कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है, तो इस पर सरकार को क्या मिलना है जो आदिवासियों को हटाया जा रहा है? जी, बहुत सिंपल है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सिर्फ एक्चुअली अभी चुनाव है 2019 के, तो फंडिंग का एक मसला आता है, तो इनको जो फंडिंग होगी, चुनावी फंडिंग, वो 1% जो करोड़पति लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनसे होगी। तो पिछले 4-5 साल में तो जितना कंपनी था, जैसे अभी हमने एयरपोर्ट का मसला देखा, 50 साल के लिए 5 एयरपोर्ट अडानी को दे दिए गए, अब ये तमाम तरीके के खदानें ये सब तो दे चुके थे, अब उनके पास नया कुछ नहीं है कि जो फंडिंग उनको करेंगे उनको सूद सहित वापस करना है तो क्या देंगे। तो अब जो ट्राइबल एरियाज में जो ज़मीनें बची है, जिनमें कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारा है, ठीक है, उन रिसोर्सेज को देने के लिए ये आदिवासियों को हटाया जा रहा है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि जब तक वो आदिवासी उस जमीन पर रहेंगे, वो रिसोर्सेज ऐसे ही नहीं दिए जा सकते, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये हटा रहे हैं। और यही जमीन एकमात्र ऐसी चीज़ है किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज में जो बढ़ती नहीं है, वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो उन्हीं को देने के लिए पूरी प्रक्रिया चल रही है। सर, जिस तरीके से आज आपने विशाल रैली का आयोजन किया है, काफ़ी दूर दूर से लोग भाग आए हैं, फिर भी नरेंद्र मोदी जी को शायद कुछ अभी अनुभव नहीं हो रहा है, तो आगे आपका क्या उद्देश्य है कि अगर ये आपकी मांगे नहीं सुनी गई तो आगे आपका क्या उद्देश्य रहेगा? सिंपल सा उद्देश्य है, चुनाव अभी 2019 के एकदम हमारे सर पर आ गए हैं, और हम लोग चुनाव में जाएंगे, चुनाव में एज ए पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए शिक्षक संगठन के बतौर हम लोग जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी ज़मीनें छीनी है, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपका रोजगार छीना, इनको वोट देने का कोई मतलब नहीं, और हम लोग इनको सत्ता से बाहर करने का पूरा कोशिश करते हैं।